हेलो दोस्तों आज आपके डिमांड पे क्रोशिए से बना हुआ ये जैकेट लाए हुए हैं ये गले से हम शुरू किए हुए हैं इस पर कहीं भी आपको सिलने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी इस पर आपको जोड़ नहीं मिलेगा आइए देखते हैं कैसे बनता है इसे शुरू करने के लिए हम सबसे पहले फंदा ले लेंगे 112 सौ फंदा यह तीन से चार साल के बच्चे का बन रहा है 112 सौ फंदा लेने के बाद में दो फंदा और एक्स्ट्रा लेंगे एक और एक दो अब एक दो तीन तीन फंदा छोड़कर चौथा फंदा में हम हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे ये दो डबल क्रोशिया हो गया हम इस तरह से सोलह डबल क्रोशिया बना लेंगे तीन ये पंद्रह हुआ और ये हुआ सोलह तो देखिए यहाँ पे हम सोलह डबल क्रोशिया इस तरह से बना लिए एक सौ बारह चेन लेने के बाद अब हम यहाँ एक चेन से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे ये एक डबल क्रोशिया फिर से एक चेन लेंगे इसी चेन से एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे अब हम बाईस डबल क्रोशिया बनाएंगे अलग अलग चेन से ये रहा बाईस डबल क्रोशिया यहां से यहां तक हम बाईस डबल क्रोशिया बनाए अब एक चेन से फिर से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे एक डबल क्रोशिया एक चेन फिर इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया ये हमारा थ्री प्लाई काउन है थ्री प्लाई काउन है और देखिए यहाँ पे हम एक चेन से दो डबल क्रोशिया बना चुके हैं अगर आप ऊन चेंज करेंगी यानी टू प्लाई का ऊन से बनाएंगी तो आपको चेन का संख्या भी बढ़ाना या घटाना पड़ेगा अब अब देखिए अब आगे हमें क्या करना है यहाँ हम ये बना चुके ये आपको आगे पल्ला आगे पल्ला का निकल गया और ये बाँह का निकल गया अब हम यहाँ पे बनाएंगे बत्तीस डबल क्रोशिया बीच में जब हम सोलह आगे लिए हैं तो पीस पीठ पल्ला में हमें बत्तीस डबल क्रोशिया बनाना होगा ये रहा बत्तीस डबल क्रोशिया यहाँ पे बत्तीस डबल क्रोशिया कंप्लीट होता है फिर से हम एक चेन से दो तो डबल क्रोशिया बनाएंगे ये रहा एक डबल क्रोशिया बीच में एक चेन लेंगे फिर इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे अब फिर हमें यहाँ पे बाईस डबल क्रोशिया बना लेना है जो दूसरा बाह में चला जाएगा बाईस डबल क्रोशिया हो गया अब फिर से हम एक चेन से दो डबल क्रोशिया करेंगे एक डबल क्रोशिया एक चेन एक डबल क्रोशिया और हम इसी से कर लेंगे ये हो गया तो हम सबसे पहले अब यहाँ जो सोलह बचा हुआ है डबल क्रोशिया ये सोलह डबल क्रोशिया हम कर लेंगे सबसे पहले हम आप लोगों को यहाँ पे दिखला दें देखिए यहाँ पे इस तरह से सोलह डबल क्रोशिया किए इसके बाद यहाँ से यहाँ तक बाईस डबल क्रोशिया किए फिर यहाँ से यहाँ तक बत्तीस डबल क्रोशिया फिर यहाँ से यहाँ तक बाईस डबल क्रोशिया अब यहाँ से यहाँ तक होगा आपको सोलह डबल क्रोशिया ये करते हुए हम कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे हम गले से उठा रहे हैं तो गले पे 112 डबल क्रोशिया हमारा काफ़ी है लेकिन जो हम ये बुन रहे हैं इसे बाद में हम बॉर्डर के साथ और भी गला बुनेंगे जिसमें हम अगर हमें लगे कि ज़्यादा है यहाँ पे फंदा तो हम उसे कम करते चले जाएंगे इसलिए यहाँ पे हम 112 सौ बारह चेन लेकर बनाना शुरू किए हुए हैं क्योंकि गला अभी बनाना और भी बाकी है जब पूरा फिनिश हो जाएगा स्वेटर इसके बाद हम इस पर बॉर्डर के साथ में गला बनाएंगे और अगर आप चाहती हैं एक वर्ष दो तो वर्ष या चार से पाँच वर्ष के बच्चों का बनाना तो आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में कितना फंदा लेना है कितना चेन से स्टार्ट करना है वो मिल जाएगा तो देखिए यहाँ पे सोलह डबल क्रोशिया कंप्लीट होता है अब हम एक दो, दो चेन ले लेंगे पलट लेंगे अब यहाँ हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे देखिए ये हो गया एक यहाँ दो चेन लिए एक डबल क्रोशिया बनाए फंदे लेंगे फंदे लेने के बाद ये एक डबल क्रोशिया हम ऊपर की ओर से लेकर बनाएंगे ये ऊपर की ओर से लिए अब दो डबल क्रोशिया हम सिंपल बुनेंगे जैसे बुना जाता है एक और एक दो फिर से फंदे लेंगे अब दो के बाद जो हम अगला डबल क्रोशिया बुनेंगे उसे हम ऊपर की ओर से लेंगे फिर से दो डबल क्रोशिया साधारण तरीके से बुनेंगे एक और एक दो अब फिर से अगला ऊपर की ओर से लेंगे देखिए इस तरह से हम ऊपर की ओर से लेंगे ये हमारा है यहाँ पे इस तरीके से ऊपर की ओर से लेंगे हम ये हो गया अब फिर दो डबल क्रोशिया लेंगे फिर एक डबल क्रोशिया ऊपर की ओर से फिर दो डबल क्रोशिया सिंपल तरीके से बुनेंगे एक और एक दो एक डबल क्रोशिया ऊपर की ओर से लेंगे फिर से सिंपल दो डबल क्रोशिया एक डबल क्रोसिया ऊपर की ओर से लेंगे अब देखिए अब यहाँ पे हम एक चेन से दो डबल क्रोसिया किए हुए थे इस स्थान तक पहुंच गए हैं तो यहाँ पे क्या करना है इसके बाद तो हम प्लेन दो डबल क्रोसिया बनाते हैं तो एक जो हमारा ये है इस तरह से सिंपल बनेगा और इसमें बीचों बीच में फिर से यहाँ पे एक डबल क्रोशिया एक चेन और एक डबल क्रोशिया ये जिस तरीके से बनता चला जाएगा लास्ट तक ये लास्ट नहीं बाह जब तक कम्प्लीट नहीं हो जाता है तब तक ही इसी तरह से हम बुनेंगे फंदे लेंगे फंदे लेने के बाद में हम इसे एक डबल क्रोसिया इस तरीके से बुनें अब एक डबल क्रोसिया ऊपर की ओर से बुनेंगे ऊपर की ओर से फिर दो डबल क्रोसिया एक और एक दो फिर से एक ऊपर की ओर से फिर से दो डबल क्रोसिया फिर से एक डबल क्रोशिया ऊपर की ओर से यहां पे हमारा फंदा डबल क्रोशिया बढ़ा हुआ है इस स्थान पे। तो इस स्थान तक हम बुनते हुए लाएंगे इसे देखिए यहाँ पे है हमारा एक चेन से दो डबल क्रोशिया तो ये एक ऊपर की ओर जाएगा तो इसे हम ऊपर की ओर ले लेंगे बुन लेंगे इसके बाद एक जो बचा ये सिंपल बुनाएगा और बीच में यहाँ से हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया एक चेन और एक डबल क्रोशिया इसी स्थान से फिर से हम एक यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से और एक यहाँ ऊपर की ओर से तो देखिए इस तरह से हम बुनते हुए इसे लाएंगे यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे जिस ढंग से हम यहाँ पे बतलाएँ आप लोगों को इसी ढंग से हम बुनते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे तो चलिए ये लाइन हम कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से देखिए अब हम यहाँ पे लास्ट में आए तो ये एक डबल क्रोशिया बना लिए अब एक जो हमारा यहाँ बचा इसे हम प्लेन एक डबल कुर्सिया बना लेंगे इस ढंग से अब हम एक दो दो चेन ले लेंगे पलट लेंगे इसे पलटने के बाद एक जो आप देख रहे हैं नीचे की ओर से गया हुआ है इसे हम प्लेन बनाएंगे अब ये दो जो देख रहे हैं आप ऊपर की ओर से आया है पलटने के बाद ये ऊपर की ओर से दिखेगा तो हम ये दो ऊपर की ओर से बनाएंगे एक और ये दो फिर ये एक नीचे की ओर से इस तरीके से सिंपल तरीके से बुनेंगे फिर दो ऊपर की ओर से एक और ये रहा दो अब ये एक साधारण तरीके से बनाएंगे फिर ये दो ऊपर की ओर से एक दो फिर ये एक बचता है ये साधारण तरीके से बनाएंगे ये दो ऊपर की ओर से लेंगे एक दो एक साइड से हमें दो ऊपर की ओर से लेना होगा और दूसरे साइड से हमें एक मात्र एक ऊपर की ओर से लेना होगा यानी ये जो उल्टा साइड है ये इसमें हम दो ऊपर की ओर से लेंगे और एक नीचे सिंपल प्लेन बुनेंगे और जब हम पलट के आएंगे तो देखिए यहाँ पे एक ऊपर की ओर से लेंगे और दो जैसे हम बुनते हैं साधारण तरीके से बुनेंगे बस अब इसमें ध्यान देना है सिर्फ ये कोना पे जो चार कोना आता है हमारा यहाँ पे ध्यान देना है कि किस तरह से फंदे को यानी डबल क्रोसिया बढ़ते जा रहा है और हम वहाँ पे डिजाइन निकालते चले जाएँ इस चीज़ को ध्यान देना है अब जैसे देखिए यहाँ पे दो हमारा ऊपर की ओर से है एक नीचे की ओर से है तो इसके बाद हमारा यहाँ पर आता है फिर दो ऊपर की ओर से तो जो ये एक बचा हुआ है इसे हम ऊपर की ओर से ले लेंगे डिज़ाइन हमारा यहाँ पे बंद नहीं होगा यानी बुनते चले जाएंगे हम अब यहाँ जो हम दो चेन दो डबल क्रोशिया बनाएंगे वो बना लेंगे एक डबल क्रोशिया एक चेन एक डबल क्रोशिया ये हो गया इस तरह से आपका यहाँ डबल क्रोशिया का संख्या भी बढ़ते चला जाएगा और डिजाइन में भी कोई अंतर नहीं आएगा अब देखिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है सबसे पहले हम देखेंगे देखिए देखे, दो डबल क्रोशिया ऊपर की ओर से है और ये एक नीचे की ओर से यानी कि ये इस बार ऊपर की ओर से आएगा तो हम इसे ऊपर की ओर से बनाएंगे इस तरीके से ताकि हमारा डिज़ाइन यहाँ पे बिल्कुल पता भी ना चले और अच्छी तरीके से उसकी बुनावट आए एक नीचे की ओर से और फिर दो ऊपर की ओर से एक दो तो बस इसी चीज़ को हमें बनाते हुए कंप्लीट करना है देखिए जिस तरीके से हम यहाँ पे आप लोगों को बतलाएँ किस तरह से डिजाइन यहाँ निकालते चला, चले जाना है और एक चेन से दो डबल क्रोशिया बनाते भी चले जाना है चारों कोना में हम इसी तरह से बनाएंगे ये तीन और ये चार चारों कोना में एक ही ढंग से हम बनाते चले जाएंगे जैसा कि देखिए हम यहाँ पे बनाए हुए हैं जैसे कि देखिए यहाँ पे कोना आप देखिए ये किस तरह से निकला हुआ है यहाँ पे डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ते भी जा रहा है लेकिन डिज़ाइन भी बनते चले जा रहा है तो बस इसे ही हमें ध्यान में रखना है कि हम डिज़ाइन भी बनाते चले जाएं जैसे कि अब देखिए अब यहाँ पे ऊपर की ओर से आएगा तो हम ऊपर की ओर से बुनेंगे फिर दो नीचे की ओर से आएगा तो ये हम दो नीचे की ओर से बुनेंगे एक और एक दो अब देखिए यहाँ पे फिर दो के बाद फंधे लेंगे और एक डबल क्रोसिया हमारा ऊपर की ओर से आएगा तो इसे हम ऊपर की ओर से बना लेंगे ये हो गया ऊपर की ओर से अब दो डबल क्रोशिया नीचे की ओर से आएगा तो हमें क्या करना है यहाँ पे यहाँ पे तो फिर से बढ़ाना है हमें डबल क्रोसिया तो जो एक बचा हुआ है इसे हम एक डबल क्रोसिया इस तरह से बनाएंगे और दूसरा भी ये बढ़ता हुआ डबल क्रोशिया बन जाएगा एक फिर एक चेन फिर इसी स्थान पे एक डबल क्रोशिया अब इसके बाद हम ध्यान देंगे कि डिजाइन हमारा यहाँ पे किस तरह से होगा तो ये एक बढ़ा हुआ है देख रही ये यहाँ से चला आ रहा है एक बढ़ा हुआ दो इसके बाद यहाँ एक ये बढ़ा हुआ तो हम फंदे लेंगे और इसे प्लेन बुनेंगे बढ़ा हुआ नहीं यानी ऊपर की ओर से देखिए अब ये ऊपर की ओर से बुनेंगे ये हो गया ऊपर की ओर से अब ये दो हम नीचे की ओर से बुनेंगे यानी साधारण तरीके से बुनेंगे डबल क्रोशिया फिर से ये एक ऊपर की ओर से बुनेंगे तो इस तरह से बुनते हुए हम इसे बुनकर कंप्लीट करेंगे देखिए ये डिजाइन कुछ इस तरह का देखने में लगेगा ये देखिए डिजाइन कुछ आपको इस तरह का देखने में लगेगा देखिए यहाँ पे ये बनता चला जाएगा और ये बाह का हो गया देखिए ये पीछे का पल्ला हो जाएगा और ये आगे का पल्ला बाह का इसके बाद ये आगे का पल्ला चलिए इसे हम एक बार बिछा कर देखते हैं तो ये इस तरह से कुछ बनकर कंप्लीट हो रहा है लेकिन अभी जैसे आप इसमें देख रहे हैं गला काफ़ी फैला हुआ नज़र आ रहा है तो जब हम इसे कंप्लीट कर लेंगे तो साइड का दोनों साइड का बॉर्डर के साथ गला को बुनेंगे तो हमारा ये गला और भी कुछ छोटा हो जाएगा तो चलिए इसे हम कहाँ तक बुनते हैं जितना हमें बाँह रखना है उतना दूरी तक बुन के इसे हम कंप्लीट करते हैं तो देखिए इसे इतना बुनते हुए हम इसे तैयार किए हुए हैं इसका यहाँ पे लंबाई आपको यह आ गया पौने पाँच और हमें ये रखना है पाँच इंच के लगभग पाँच या साढ़े पाँच इंच के लगभग तो अभी हमारा ऊपर भी यहाँ पे गला बनेगा तो आधा इंच इधर कवर करेगा तो ये हो जाएगा साढ़े पाँच इंच ऊपर इस तरफ भी गला बनेगा तो हो जाएगा साढ़े पाँच इंच तो ये हो गया आपका और यहाँ पे चौड़ाई इसका जो रखना है ये हमें देखिए बारह इंच रखना है जो कि बारह इंच यहाँ पे पूरा हो चुका है तो जितना हमें रखना था उतना पूरा हो हो चुका है ये चौड़ाई अब हम इसमें देखिए क्या करेंगे ये दोनों बांह को छोड़ देंगे ये बाँ हो गया इस तरह से ये बांह दोनों छोड़ देंगे बाद में बुनेंगे और सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक इसकी गुलाई बुनकर जितना हमें इसका लंबाई रखना है तेरह रखें या पंद्रह रखें लंबाई रख तक हम बुन लेंगे लंबाई में हम कुछ एक ही इंच जैसा छोड़ेंगे क्योंकि हमें फिर बॉर्डर भी बनाना पड़ेगा तो देखिए इसे हम किस तरह से बुनेंगे ये डिजाइन जो बुन रहे हैं हम एक ऊपर से ऊपर से बुनेंगे और दो नीचे की ओर से बिल्कुल सिंपल डबल क्रोशिया तो इसे बुनते हुए हम यहां तक सबसे पहले ले आते हैं जिस स्थान से हम डबल क्रोशिया पढ़ा रहे थे उस स्थान तक बुनेंगे डिजाइन को बरकरार रखते हुए देखिए ये हो गया अब यहाँ पे बीच में एक लाएंगे हम इस तरीके से ये हो गया बीच में अब इसे हम यहाँ से लेकर यहाँ तक छोड़ देंगे बाह के लिए और यहाँ से यहाँ से हम इसे एक डबल क्रोशिया बुन लेंगे ये हो गया देखिए आपका डिज़ाइन भी बिल्कुल सही आ जाएगा ये दो बीच में चलाएगा और एक यहाँ पे ऊपर से बुने हुए हैं अब यहाँ पे हम एक ऊपर से बुनेंगे ये ये दो नीचे से बुना हुआ है फिर एक ऊपर से तो इस तरह से डिजाइन आप बनाते हुए उसे ध्यान में रखते हुए बुनें तो ये पीछे पल्ला भी हम बुन कर यहाँ पर तैयार कर लेंगे इसके बाद फिर से हम दूसरा बाह छोड़ लेंगे और आगे पल्ला को बुनेंगे तो इसी तरह से बुनते हुए हम यहाँ से लेकर यहाँ तक बुनकर कंप्लीट करते हैं जिस तरह से हम यहाँ से यहाँ तक बुने आपका एक बाह ये निकल गया तो देखिए जैसा कि आप देखिए एक बाह हम यहाँ पे निकाल चुके हैं ये एक पल्ला इधर का बुन चुके हैं पीछे का भी एक पल्ला हम यहाँ पे एक लाइन बुन चुके हैं अब हमें ये बाहर निकालना है तो ये बाहर निकालने के लिए हम देखिए यहाँ तक बुन चुके बीचो बीच अब यहाँ से फंदे लेंगे और ठीक इसके इस साइड में आएंगे यहाँ पे यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे अब यहाँ पे हमारा दो हो गया बीच में अब हम एक 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 यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा हो रहा है हमारा तो अगर एक आपका एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसे मिला लेंगे हम तो मिलाने के लिए मिलाने के लिए हमें क्या करना है एक इसे हम छोड़ देंगे और यहाँ पे इसे लाकर ये इस तरीके से बनाएंगे अगर ऐसा नहीं करेंगे आप तो ये डिज़ाइन मिलेगा नहीं आपका इसलिए हम एक वहाँ पे छोड़ दिए हैं अब देखिए अब जितना भी यहाँ पे है सब को हम बीन कर कंप्लीट कर लेंगे हालांकि अगर आप यहाँ बूंद भी लेंगी अगर एक ये बूंद भी लेंगी तो आपको फिर बीच में बीच में आपको यहाँ आप मेकअप कर सकती हैं लेकिन हम शुरू में ही यहाँ पे कम कर दिए हैं इस तरह से हम यहाँ से यहाँ तक बुन लेते हैं देखिए यहाँ ये कंप्लीट यह हुआ अब देखिए अब हमें करना क्या है बस इसे कुछ भी नहीं सिर्फ ऐसे गोल गुलाई में घूमते हुए इसे हमें कंप्लीट कर लेना है लंबाई तक इस तरह से देखिए इसे हम कितना इंच बुनकर कंप्लीट किए हैं टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक साढ़े तेरह इंच टोटल साढ़े तेरह इंच कंप्लीट हो चुका है ये अब हम आगे इसमें बॉर्डर डालेंगे जो बॉर्डर आपको यहाँ से रहेगा टोटल गला से लेकर यहाँ तक चला आएगा देखिए इसे हमें किस तरह से डालना है यहाँ से हम शुरू करेंगे यहाँ से शुरू करेंगे बनाते हुए इसे इस तरफ से बनाते हुए यहाँ से लेकर और फिर लास्ट यहाँ करेंगे एक लाइन इस तरह से करते हुए तीन या चार लाइन हम कर लेंगे यहाँ पे हमें इस तरीके से बनाना है दो चेन ले लिए हैं फंदे नहीं लेना है और इसे बस दो का एक करना है यानी सिंगल क्रोश ये देखिए इस तरीके से हमें करते चले जाना है इस तरीके से बुनते हुए हम सबसे पहले यहाँ तक लाते हैं इसका एक कोना गला का एक कोना यहाँ तक बुन कर ले आएंगे इसके बाद आगे हम बताएंगे कोना में किस तरह से इसे निकालना है देखिए हम यहाँ तक इसे बना चुके हैं आगे पल्ला में ला एक लाइन अब देखिए अब गला के पास हमें किस तरह से करना है सबसे पहले तो हम एक चेन ले लेंगे इसके बाद इस स्थान पर डालेंगे हुक को और ये दो का एक करेंगे फिर अगला पे ले जाएंगे हम दो का एक करेंगे इसे जो हम दो का एक करेंगे ज़रा हल्का सा टाइट हाथों से करेंगे क्योंकि गला है यहाँ पे अगर फैल जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा तो इसे इस तरीके से बुनते हुए यहाँ तक कंप्लीट करेंगे फिर यहाँ भी हम इसी तरह एक चेन ले लेंगे और इसी तरीके से बुनते हुए चले जाएंगे इस कोना में भी हम एक चेन लेंगे बुनते हुए आएंगे, फिर इस कोना में भी हम एक चेन लेंगे बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रत्येक कोना में हमें एक एक चेन जैसे कि हम यहाँ पे लिए एक चेन एक्स्ट्रा लेना है इसके बाद इसे बनाना है तो इसे हम तीन या चार लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से देखिए हम इसका एक बाँ तैयार किए हुए हैं और साथ में ये जो इसका बॉर्डर था बॉर्डर तैयार किए हैं सबसे पहले हम आप लोगों को यहाँ पे बतला दें बाह का लंबाई कितना है यहाँ से हम नापते हैं साढ़े दस बाह का लंबाई पूरा होगा साढ़े दस है अब यहाँ पे सबसे पहले ये बताएं आप लोगों को ये जो हम यहाँ पे बतलाए हुए थे कि फंदों को हमें कम करना है लास्ट में हम फंदों को कम किए हैं एक बीज करते हुए हम नहीं कर, दो बीज करते हुए हम यहाँ टोटल बुन दिए हैं और ये जो लास्ट लाइन हम बुने हैं ये किस तरह से बुने हुए हैं देखिए जो हम लास्ट लाइन बुने हुए हैं जो गले पे हम बुने हुए हैं लास्ट लाइन तो गले पे हम यहाँ दो बीच किए हुए हैं एक फंदा एक चेन ले लिए और एक चेन लेने के बाद एक दो दो बीच करते हुए तीसरे पे हुक को डाले हैं और इस तरीके से बनाए तो गला आपका आपूर्पी यहाँ पर छोटा हो जाएगा गुलाई में भी आ जाएगा और छोटा भी हो जाएगा लेकिन हम बाह पे जो बनाए हुए हैं बाह पे उस तरीके से हम नहीं बनाए हुए हैं बाह पे देखिए ये एक लेंगे और एक बीच करेंगे फिर से एक लेंगे एक बीच करेंगे लास्ट लाइन हम इसी तरह से बनाए हुए हैं एक बीच करते हुए अगला में हम तरह से बनाए हुए हैं तो यहाँ पे हम आप लोगों को बतला दिए अभी से यहाँ तक लाकर हम कट कर लेंगे चलिए कट कर ही लेते हैं एक बनाएंगे एक बीच करेंगे एक यहाँ पे डालेंगे फिर से एक चेन बनाए लास्ट यहाँ पे डालकर हम इसे इस तरीके से बंद कर देंगे अब इसे हम कट यहाँ कर लेंगे कट करने के बाद इसे हम एडजस्ट करेंगे अंदर की ओर ले जाकर तो यहाँ पे हम आप लोगों को बाह बनाना नहीं बतलाए हुए हैं बाह बनाने के लिए अभी हम बतलाएंगे सबसे पहले हम आप लोगों को ये गले का जो गोलाई है वो किस तरह से गोलाई में हम बनाए वो चीज़ बतलाए हुए हैं शुरू से लेकर हम यहाँ तक देखिए यहाँ पे कितना लाइन में बुने हुए हैं एक दो तीन चार चार एक पाँच पाँच लाइन बुन लेने के बाद पाँच लाइन हम बुने बिल्कुल बिना फंदा घटाए हुए पाँच लाइन बुन लिए सिर्फ लास्ट लाइन में जो हम एक फंद एक चेन लेकर बनाए हैं उसमें हम दो पर दो दो चेन के बाद अगला चेन पे तीसरा पे हम इस तरह सूख को डाले हुए हैं देखिए आप दो चेन के बाद डाले हुए हैं तो गला आपूपी हमारा यहाँ छोटा हो गया है और जब इसे आप बनाएंगी तो यहाँ पे आप बटन पट्टी के लिए बटन अगर आप बटन लगाना चाहती हैं तो इस तरह से आप यहाँ पे छोड़ती चली जाएं सिर्फ दो चेन बीच करें और अगला चेन से फिर हम दो चेन ले लेंगे इस पर तो आपका ये काज बनता हुआ चला जाएगा एक काज हम यहाँ बनाएँ दूसरा यहाँ है तीसरा यहाँ है और देखिए चौथा यहाँ पे है चार काज हम बनाए हुए हैं यहाँ पे दस दस या ग्यारह आप ले लें दस या ग्यारह चेन लेने के बाद में फिर से काज यहाँ पे बना लें तो इस तरह से इसे बनाए हुए हैं अब देखिए हम बाह यहाँ पे बनाएंगे देखिए बाँह हमें किस तरह से बनाना है सबसे पहले हम ऊन को जोड़ लेंगे यहां पे हम उनको जोड़ेंगे जोड़ लेने के बाद अब उसी डिजाइन को हम बुनते चले जाएंगे एक यहां पे होगा दो इसके बाद ये ऊपर से आएगा फिर यहाँ पे दो एक और ये रहा दो फिर ये ऊपर से आएगा तो इस डिज़ाइन को हम बुनते हुए गुलाई में यहाँ से लाकर यहाँ तक सबसे पहले कंप्लीट करते हैं फिर देखते हैं आगे हमें किस तरह से यहाँ पे कुछ फंदों को हमें कम करना है जो आपका इस तरह का सेप आएगा देखिए इस तरह का सेप आएगा सिर्फ हमें एक दो तो लाइन में कम करना है प्रत्येक जगह पे हमें कम नहीं करना है तो चलिए इसे यहाँ से यहाँ तक गोलाई में भून कर ले आते हैं यहाँ पे देखिए हम यहाँ से शुरू किए बनाना इस स्थान से ये बिल्कुल बीचों बीच का है इस तरह से बिल्कुल ये बीचों बीच का जगह है यहाँ तक हम छोड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पे भी हम हमें और नहीं बनाना है ये इस तरह से आएगा और इसे लाकर हम यहाँ पे इस तरीके से जोड़ देंगे जोड़ देने के बाद देखिए ये हल्का सा आपका यहाँ पे छोटा हो जाएगा यानी कि कुछ फंदों को हम यहाँ पे बंद किए अब बंद करने के बाद फिर दो चेन ले लेंगे एक दो अब इसे हम पलट लेंगे पलटने के बाद उल्टा तरफ से हमें बुनना है तो उल्टा तरफ से सबसे पहले एक ये हो गया और दो ऊपर की ओर से एक और एक दो ऊपर की ओर से ले आए फिर ये नीचे की ओर से यानी सिंपल जो हम बुनते हैं डबल क्रोशिया जो हम डिजाइन बताए हुए हैं उसी डिजाइन को बनाते हुए अब हम इसकी दूसरी छोर तक भी हम कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से हम इसे बुन कर दूसरी छोर तक लगभग लग पहुँच चुके हैं अब देखिए अब हमें यहाँ पे किस तरह से फिर घटाना है ये तो हो गया ये एक बुनेंगे और जो ये है इसे हम घटा लेंगे यानी कि यहाँ पे देखिए एक और एक दो दो हम उल्टा से बुनते इस तरह से ऊपर की ओर से दो हम बुनते ये दोनों फंदों को लेकिन हम यहाँ पे इसे दोनों को नहीं बुनेंगे और यहाँ लाकर सीधे इसे जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पे ये फिर थोड़ा सा कम हो गया अब एक दो दो चेन ले लेंगे इसे अपनी ओर करेंगे इस बार हमें सीधा तरफ से बुनना है तो बुनते हुए हम इसी डिज़ाइन को बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे तो अब इसे जितना हमें यहाँ पे कम करना था कम कर चुके हैं दो बार से ज़्यादा अगर कम करेंगे तो बाह का चौड़ाई कम हो जाएगा और अगर आप चाहती हैं बाह और कम करना तो आप कर सकती हैं लेकिन इतना चौड़ा ठीक है इसलिए हम इतना अब इसे हम सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे यहाँ से लेकर जो हम बुनेंगे बाँ देखिए यहाँ से लेकर जो हम बुनेंगे यहाँ तक वो साढ़े नौ इंच रहेगा इसके बाद एक इंच ये बॉर्डर इसका रहेगा बुन कर चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से देखिए दोनों बाँह बना लेने के बाद ये बनकर कंप्लीट होता है अब इसमें सिर्फ बटन लगाना यहाँ पे बाकी है आप वो बटन लगा सकते हैं या आप उन से ही इस पर बटन हम बनाने की विधि डाले हुए हैं वीडियो उसका वो आप देखकर कर इस पर बना कर डाल सकती हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में